तो मैं शिवानी एएसवी इंजीनियरिंग से आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ गुड्डू ब्लॉग्स में। आज मैं आपको फिर से मशीनों के बारे में जानकारी दूंगी, अलग अलग मशीनों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहली मशीन के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो आपकी मशीन होती है अगरबत्ती मेकिंग मशीन। आज मैं आपको अगरबत्ती मेकिंग मशीन के बारे में बताना चाहूंगी, कैसे चलती है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी बिजली में चलती है, वो सारी नॉलेज दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अगरबत्ती मेकिंग मशीन है आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में आपको बताऊंगी। आपको इसमें कितने एचपी का मोटर होता है, अगर हम मोटर की बात करते हैं तो 1 HP का मोटर होता है। घर की बिजली पे आपकी मशीन चलेगी, घर की बिजली पे मशीन चलेगी। आपको इसमें कैसे कैसे वर्किंग होता है, लाइक आपको इधर से मटेरियल डालना होगा, रॉ मटेरियल डालेंगे, स्टिक्स लगाएंगे, इधर से आपकी अगरबत्ती बन बन के निकलती रहती है। ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है आपकी। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपकी एक घंटे में 10 से 12 किलो अगरबत्ती बना के निकालती है। अगर हम उसकी बात करते हैं स्टिक की, कितने इंच की आपकी स्टिक बनती है, 8 से 14 इंच तक की आपकी सारी स्टिकें बन जाएगी। बिजली की, जैसे कि मैंने बात की घर की बिजली कितने मशीन चलेगी, और अगर हम बात करते हैं लाइक कितने आपके रूम में मशीन का सेटअप होगा, एक रूम में आपका मशीन आराम से सेटअप हो सकता है, 10x10 के रूम में आराम से सेटअप हो जाएगा मशीन का। मशीन को चलाने की बात करते हैं, मशीन कोई भी इंसान चला सकता है, लाइक आपको अगर आपको कोई जेंट्स को चलाना है, लेडीज को चलाना है, सब लोग इस मशीन को चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइक मशीन तो कोई भी ले लेगा, है ना। अब उसके बाद होती है मशीन को चलाना कैसे है, कैसे इसको मेंटेन करना है और कैसे अगरबत्ती बनानी है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। लाइक अगर आप मशीन हमारे यहाँ से लेते हैं तो हमारा इंजीनियर आपके पास जाएगा, 2 दिन की ट्रेनिंग देगा, मशीन चलाना सिखाएगा, कैसे अगरबत्ती बनानी है, तो आपको सारी नॉलेज दी जाएगी। अगर आप वारंटी की बात करते हैं तो आपका 1 ईयर का वारंटी होती है, 5 साल की सर्विस होती है। अब बात आ जाती है, बहुत बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, मैम हम मशीन तो ले लेते हैं बट बहुत प्रॉब्लम आ जाती है रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल के बारे में आप बोलते हैं तो रॉ मटेरियल भी आपको हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मशीन यहाँ से लेंगे तो यहाँ से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। अब रॉ मटेरियल में कुछ कुछ रॉ मटेरियल आते हैं, लाइक आपको प्रीमिक्स पाउडर आ गया, गर्गम पाउडर आ गया, जोश पाउडर आ गया, मेन इंग्रीडियंट होता है आपका परफ्यूम का। परफ्यूम की बात करते हैं, परफ्यूम का काम क्या होता है, आपको खुशबू का काम होता है। अगर आप अगरबत्ती बनाते हैं आपका मेन काम होता है खुशबू का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको परफ्यूम होता है। जितनी ज़्यादा अगरबत्ती की खुशबू होगी उतनी अच्छी देर तक आपका रूम में फ्रेगनेंस रहेगी। अब मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। कंपनी के एड्रेस की बात करती हूँ, ASV इंजीनियरिंग हमारी कंपनी है दिल्ली में नागरोई में। आप आएंगे वहाँ पे आपको सोने हॉस्पिटल में दिख जाएगा, उसके साथ में गुलशन पार्क वाली गली जा रही है, गली में आएंगे आपको ASV इंजीनियरिंग का बोर्ड दिख जाएगा। आप कंपनी आके विजिट कर सकते हैं और मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।